आपका क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ सर्टेन नंबर्स ऑफ टर्म्स स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 25, 22, 19 एंड सो ऑन इज 116, फाइंड द लास्ट टर्म, है ना। तो लास्ट टर्म क्या होता है हमारा, ए एन, एन होता है हमारा लास्ट टर्म, है ना। तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। नाउ अब इसके अंदर आपका ए क्या है, देखो ए क्या है 25, एपी इज देयर तो ए इज 25, है ना, एन वी आर नॉट नोइंग, एन हमको पता नहीं है, डी, बट डी हमको पता है क्या है, ए टू माइनस ए वन, तो डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन, दैट इज इक्वल टू वी कैन से 22 माइनस 25, दैट इज इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। अब ये वैल्यू इसके अंदर हम डालते हैं, देखो क्या होता है आपका, तो 25 प्लस एन माइनस वन एंड डी इज माइनस 3, दैट इज इक्वल टू, देखो कितना हो रहा है, 25 माइनस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या आ रहा है, माइनस 3n, और यहां पर क्या आ रहा है आपका प्लस 3, दैट इज इक्वल टू वी कैन से 28 माइनस 3n, दिस इज योर क्या है ये, ए एन, ए एन, ए एन इज दिस। नाउ अब देखो इसमें क्या बोला है, इफ द सम ऑफ द सर्टन नंबर्स, तो सम का फॉर्मूला क्या है वो हम लिख लेते हैं, इन टर्म्स ऑफ ए एंड एन, ए एन हमको पता है, ये रहा ए भी है, तो ए और ए एन के टर्म्स में हम सम लिखेंगे, दूसरे में नहीं लिखेंगे, तो वो हमारा क्या होता है, देखो एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू, और यहां पर होता है ए प्लस ए एन, बस ठीक है। वो बड़ा वाला फॉर्मूला हम इधर यूज नहीं करेंगे, ये छोटे वाले से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या है, एस एन ही हैज गिवन 116, तो वही हम लिख लेते हैं, 116 इज इक्वल टू एन हमको पता नहीं है, ए हमको पता है 25 प्लस ए एन इज दिस, तो ये है आपका 28 माइनस 3n, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो कितना आ गया देखो, 116 इंटू 2 इज आपका हो गया 232, दैट इज इक्वल टू एन बच गया यहां पर, और यहां पर देखो दोनों का टोटल ही कितना है, 25 प्लस 28 इज 53, तो ये आपका आ गया 53 माइनस 3n। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो देखो क्या आ रहा है आपका, 232 इज इक्वल टू 53n माइनस 3n स्क्वायर, ये दोनों को लेफ्ट में लेकर आ जाओ तो देखो क्या आ रहा है आपका, आपका आ जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232, दैट इज इक्वल टू 0। ये आपका कैसे बन गया, कौन से फॉर्म में आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, तो देखो आपका कैसे आ रहा है, यहां पर है 3, 3 का 3 लिख दिया हमने, 1 ओवर नेक्स्ट 232 को स्प्लिट करो, तो 232 को हमने स्प्लिट किया 2 से, 116, फिर 2 से 58, नेक्स्ट 2 से आपका आ गया 29, है ना। नो तो 29 हमारा
क्या है? प्राइम नंबर। अब आपको ये जो टर्म्स है दिस इससे आपको बनाना है माइनस 53। तो कैसे बनाएंगे? 3 × 2 = 6, ठीक है। 29 × 2 = 6, पहले ये कर लेते हैं, 6 × 2 = 12, 12 × 2 = 24, ये आपका 24 हो गया, ये 29 हो गया, दोनों का सम इज 53, ठीक है। तो देखो कैसे आ रहा है आपका, 3n² - 29n - 24n - 232, दैट गिव्स यू 0, है ना। तो इसमें कॉमन क्या है, देखो फर्स्ट टू में n इज कॉमन, तो हमारा आ जाएगा 3n - 29, और यहां पर देखो क्या कॉमन है आपका, समथिंग इज कॉमन ये दोनों में, देखो 24 and 232, दिस इज 232, है ना, और 24, तो 24 हमारा कहां पर है, देखो ये रहा 24 इज दिस, तो इसके अंदर कॉमन क्या हो गया, देखो 222 यानी 8 इज कॉमन, तो हमारा 8 इज कॉमन, तो आपका आ गया 3n - 29, दैट इज इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि 8 × 29 = 232। तो अब आपका क्या आ गया, देखो दोनों को अलग अलग करो, एक ब्रैकेट कर लो एक बाहर कर लो, तो आपका आ जाएगा n - 8, और सेकंड आपका आ गया 3n - 29, दैट इज इक्वल टू 0, है ना। तो n - 8 इज इक्वल टू 0 क्या हो गया, n इज इक्वल टू 8, और 3n - 29 का क्या हो गया, 29 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3n = 29, तो n = 29/3, तो n हमारा क्या है, परफेक्ट नंबर होना चाहिए, ना कि डिजिट्स पे या उस तरह से, तो ये तो आपका डिजिट्स में है, वी विल क्या करेंगे इसको, एलिमिनेट। तो आपका आंसर n कितना आ गया, 8, n इज 8, ठीक है ना। तो फिर इसने आगे देखो क्या बोला है, फाइंड द लास्ट नंबर, तो लास्ट नंबर इज an, देखो क्या है आपका an, तो an हमारा यहां पर दिया है, तो 28 - 3n लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स 28 - 3 × 8, तो दिस इज इक्वल टू 28 - 24, दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो आपका क्या आ गया, an इज 4, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको करना है।